Yes, where... येस बैंक ने जो अपनी बाइंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं ये लेवल पे रखी है पुरानी 200 हंड्रेड प्राइस थी उसके कम्पेरिजन में तो सबसे पहले तो जो लोगों को लगता है कि यहाँ से कंपनी की शेयर प्राइस 100 200 तक जाएगी तो वो सबसे बड़ा मिथ है friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले येस बैंक की क्योंकि यस बैंक का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ गया है और काफी सारे न्यूज में आपने देखा होगा कि यस बैंक का प्रॉफिट 80 परसेंट से नीचे गिर गया है लेकिन क्या हकीकत है और कंपनी का शेयर प्राइस कितना नीचे जाएगा और क्या फिर उसका टारगेट बन सकता है तो उसका हम डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे तो सबसे पहले तो हम कंपनी के अगर फाइनेंशियल देख लेते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप फिफ्टी करोड़ का है और यहाँ पे पी मल्टीपल जो है सिक्सटी का आपको दिख रहा है अगर हम डिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 5400 करोड़ से बढ़ के फिफ्टी एट हंड्रेड करोड़ हो गया और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो फोर्टी एट हंड्रेड करोड़ से बढ़ के फिफ्टी एट हंड्रेड करोड़ के आसपास हो गया है और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो लास्ट डिसंबर क्वार्टर में टू सिक्सटी सिक्स करोड़ का प्रॉफिट था जो कि अभी ओनली फिफ्टी टू करोड़ का हो गया तो ऐसा क्यों हुआ हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे मैंने कंपनी का रिजल्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 790 करोड़ से बढ़ के नाइन करोड़ हो गया है अब यहाँ पे सारे फिगर लेक्स में है तो इसीलिए मैं यहाँ पे लास्ट दो डिजिट को इग्नोर कर रहा हूँ ठीक है अब इसमें से आप देखिए 844 करोड़ का प्रोविजन हुआ है तो यहाँ पे लिखा है प्रोविजन अदर देन टैक्स एक्सपेंसेस तो प्रोविजन का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर जो भी एनपीए तो ओ एनपीए को कंपनी अगर मान लेती है कि हमें इसको डिक्लेयर कर देना है और बैलेंस शीट को क्लीन करना है तो यहां से ये पूरा इम्पैक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे तो अगर आप कंपनी का अगर नेट एनपीए देखेंगे तो यहाँ पे ओनली वन परसेंट का है वन परसेंट मतलब कुछ भी नहीं है कोई भी बैंक आप उठा के देख लीजिए पॉइंट फाइव परसेंट वन परसेंट के आसपास तो रहता ही है तो यहाँ पे इसकी बैलेंस एकदम क्लीन हो गई है तो ये तो हुई नेट एनपीए की बात अगर हम ग्रोस एनपीए भी देखें तो वो भी ओनली टू परसेंट हो गया है जो कि पहले 12.89 परसेंट था ठीक है तो यहाँ पे बैलेंस शीट पूरी क्लीन हो गई है अभी नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर में कोई भी यहाँ पे प्रोविजनिंग के चांसेस नहीं है अगर कंपनी अच्छी तरह से गुड लोन देती है तो, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के अंदर दिखाई देगी और हम जो यहाँ पे पी मल्टीपल देख रहे थे तो ये जो पी मल्टीपल है वो पी मल्टीपल हमें करंट टी, टी प्राइस के हिसाब से दिखा था तो यहाँ पे टी, टी जो प्राइस है वो है 882 तो अभी हम एक बार इसका पी कैलकुलेट कर लेते तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी प्रोविजनिंग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है तो यहाँ कंपनी 900 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट तो कमाएगी तो अगर एक क्वार्टर में 900 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो चार क्वार्टर के अंदर ये हो जाता है थर्टी सिक्स हंड्रेड करोड़ का प्रॉफिट तो कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ डिवाइडेड बाय कंपनी का नेट प्रॉफिट है थर्टी सिक्स हंड्रेड अगर हम फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का पी मल्टीपल निकल के आता है फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव तो अगर हम ए पी मल्टीपल का कंपेरिजन दूसरे बैंकों के साथ करते है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सिस बैंक का पी फिफ्टीन पॉइंट फाइव एट है और बाकी कोटक एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई का पी ट्वेंटी के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे पी लोअर साइड है तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और अच्छी इसकी ब्रांड इमेज भी है तो यहाँ पे मैक्सिमम है जो तो दूसरी अच्छी बैंक है एच डी एफ सी एंड आईसीआईसी बैंक उसकी तरफ है जा सकता है तो भी यहाँ पे जो पोटेंशियल गेन है वो थर्टी परसेंट के आसपास बन सकता है लेकिन यहाँ पे मैं जब पोटेंशियल गेन की बात कर रहा हूँ तो एक बार आप ये चीज को समझिए यहाँ पे सीधा पे मत समझिए कि करंट लेवल से ऊपर ही भाग जाएगा और इसका पोटेंशियल गेन निकल के आएगा अभी इसका हम कंपेरिजन एक बार एक्सिस बैंक के साथ भी कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक और ए बैंक में क्या अंतर है तो यहाँ पे एक मैं नॉर्मल सा टेबल बना लेता हूं एक ए है यस बैंक और एक है हमारे पास एक्सिस बैंक तो अगर हम मार्केट कैप देखे तो यस बैंक का मार्केट कैप 56,000 करोड़ का है वही अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का मार्केट कैप 2.86 लाख करोड़ का है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक कितनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से लगभग लगभग फाइव एक्स बैंक की बैलेंस शीट ले लू तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा की इस बैंक की जो बैलेंस शीट है लगभग लगभग ट्वेल्व लाख करोड़ की है तो यहाँ पे मैं ट्वेल्व लाख करोड़ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले ले लेता हूँ और येस बैंक की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसकी बैलेंस शीट लगभग थ्री लाख करोड़ की है तो यहाँ पे बैलेंस शीट के हिसाब से भी एक्सिस बैंक फोर टाइम बड़ी कंपनी है अगर हम यहाँ

कि यस बैंक की प्राइस कहाँ तक जा सकती है क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है कि यस बैंक की प्राइस अपने पुराने लेवल थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड तक जा सकती है लेकिन ये पूरा मिथ है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है अभी एक बार हम यस yes बैंक का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल हाई बना था वो लगभग 400 के आसपास बना था फिर वहां से ये बहुत ही ज्यादा नीचे गिरावट दिखाई थी और अभी इसका करंट लेवल है और 20 है लेकिन यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो आप देख सकते है की टू में जब कंपनी ने हाई दिखाया तब उसका शेयर कैपिटल फोर का था और अभी जब कंपनी ट्रेड कर रही है तभी इसका शेयर कैपिटल फाइव थाउजेंड का है मतलब कि यहाँ पे शेयर कैपिटल है वो टेन टाइम हो गया है तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब कंपनी का फोर हंड्रेड प्राइस चल रहा था और अभी जो ट्वेंटी प्राइस चल रहा है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेन से मतलब कि अभी का जो प्राइस है वो जो पुरानी 200 प्राइस थी उसके कंपैरिजन में तो अगर हम मान भी लेते कि कंपनी का प्राइस जो ऑल टाइम हाई था तो वो अभी 20 के कंपैरिजन में यहाँ पे 40 आ सकता है मतलब जो पहले 400 था तो अभी इसका ऑल टाइम हाई 40 बन सकता है तो सबसे पहले तो जो लोगों को लगता है कि यहाँ से कंपनी की शेयर प्राइस हंड्रेड टू तक जाएगी तो वो सबसे बड़ा मिथ है यहाँ पे कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो अभी हमें कंसिडर करना है फोर्टी फोर्टी तक जाना तो बहुत दूर की बात है हो सकता है कि बैंक का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहे और चार पांच साल में अच्छी ग्रोथ दिखाए तो ऑल टाइम हाई तक आराम से पहुंच सकती है लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे करंट प्राइस मल्टीपल के हिसाब से भी ये जो लेवल है यहाँ पे कंपनी का करंट पी 15.5 के आसपास निकल के आ सकता है और यहाँ से अगर हम 30 परसेंट का जंप देखते तो हमारा ए लेवल आ जाता है जो कि है ट्वेंटी फोर का लेवल ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर के ऊपर जाना यस बैंक के लिए बहुत ही मुश्किल है अब सवाल आता है कि यहाँ से नीचे कितना जाएगा और क्यों जाएगा क्योंकि कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है नेट एन भी कम हुए है प्रॉफिटेबिलिटी जो कम हुई है एक्चुअल में कम नहीं हुई है यहाँ पे प्रोविजन किया गए है लेकिन यहाँ से नीचे भी प्राइस जाने के चांसेस है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि न्यूज़ तो आप न्यूज़ में देखेंगे तो यस बैंक क्वार्टर थ्री रिजल्ट नेट प्रॉफिट स्लाइड एटी तो आप जब भी इस तरह के न्यूज देखते हैं तो जो रिटेल पब्लिक है वो यहाँ पे सेल करने लगते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राइस में डाउनग्रेड मूवमेंट आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेवल से ब्रेकआउट देते हुए शेयर प्राइस ऊपर गया था अब यहाँ पे ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है जो है सेवनटीन का तो एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते है तो यहाँ पे आप देख सकते है कि जो एफ है उनका होल्डिंग पहले ट्वेल्व था जो कि अभी बढ़ के हो गया ट्वेंटी तो यहाँ पे एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है सिमिलरली ये जो स्टेक है वो कहीं ना कहीं डी के पास से थोड़ा बहुत गया है और थोड़ा बहुत यहाँ गया है रिटेल पब्लिक के पास से तो ये जो सारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेप्टेम्बर से लेकर डिसम्बर में हुआ है तो एक बार हम देखते तो यहाँ पे ये यह है सेप्टेम्बर और यहाँ पे अभी एक करंट चल रहा है डिसम्बर तो एफ ने जो अपनी बाइंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं ये लेवल पर रखी है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालते तो कहीं ना कहीं ये एवरेज प्राइस निकल के आती है जो कि सेवेंटीन रुपीज़ की तो हमारे लिए ये जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और यहाँ से अगर सेवनटीन पॉइंट फाइव या फिर सेवनटीन ये वाले रेंज में आता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 23, 24 का लेवल क्योंकि इससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है तो अगर हम पोटेंशियल गेन की बात करें तो अगर आप ये लेवल से परचेस करते हैं और यहाँ तक होल्ड करते हैं तो आपका 40 परसेंट के आसपास गेन बन सकता है लेकिन अगर आप जल्दबाजी में यहाँ पे परचेस कर लेंगे और शेयर प्राइस ऊपर नहीं गया और यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन दिखाया तो हो सकता है कि यहाँ पे एक तो आपका पोटेंशियल गेन भी थोड़ा सा कम था ट्वेंटी परसेंट का और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म तक फंस भी सकते हैं तो बेटर है कि यहाँ पे जब प्राइस नीचे आए और इस लेवल के आसपास आपको अगर मिलता है तो यहाँ से आप बाय करके ये इस लेवल पे सेल कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं जब बाय और सेल की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से और किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूं वो बता रहा हूँ तो यहाँ पे येस yes बैंक में बाय और सेल करने से पहले आप अपना पूरा एनालिसिस कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिए उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करिए आशा करता हूँ कि येस बैंक का क्या टारगेट रहेगा और किस तरह से आप इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं उसके रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड में इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद